हम आज आए हुए हैं एक ऐसे ग्राम जो पहाड़ की तराई पे बसा हुआ है, इसका नाम है लादी गांव। देखिए, कहने को तो बहुत सारे गांवों में वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, लेकिन जो मेडिकल टीम है वो गांवों से खाली हाथ वापस आ जाती है या फिर बहुत कम वैक्सीनेशन हो पा रहा है। तो इस क्रम में मैं आज आपको मिलाना चाहता हूँ लादी गांव वार्ड सदस्य श्री फुलेश्वर कुशवाहा जी से, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा मुहिम चलाया अपने गाँव में। तो मैं इनसे ही जानना चाहता हूँ कि कैसे इन्होंने लोगों को केंद्रों तक बुलाया और उन्हें जागरूक किया। यहाँ किसान वर्ग के लोग हैं, इसलिए दूर में केंद्र रहने की वजह से वहाँ जाने नहीं सकें और इसके वजह से कुछ छूट गए थे। तो इसके वजह हम एक घर घर जाके संपर्क किए और जाके घर घर बताएं कि वैक्सीन गांव के लिए यहीं पर केंद्र खोलने वाला है। तो उसे स्थिति में आप लोग सभी कोई आइए आगे और वैक्सीन को लेने के काम करें। अच्छा कुशवाहा जी, ये बताइए कि आपके गांव में किस तरह का भ्रम या क्या ऐसा अफवाह का माहौल है, क्या चले, क्या परेशानियां हुई आपको यहाँ पे, क्यों नहीं भ्रम भ्रम तो नहीं है। हाँ। लेकिन केंद्र दूर के चलते वहाँ नहीं जा पाए और करीब करीब जैसे तैसे आदमी दूर तरह जाके जिसका मन में है कि हमको लेना है वैक्सीन, तो वैसे स्थिति में कहीं कहीं जाके वो लोग लिया। लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो चल के जा नहीं पाएंगे, व्यवस्था नहीं है, वैसे में स्थिति में लोग छूट गए थे। जी बिल्कुल। देखिए, तो ये जो समस्याएं कुशवाहा जी ने हमें बताई कि केंद्रों की दूरी के कारण बहुत लोग वैक्सीनेशन नहीं ले पा रहे थे, और भी मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जब ये वैक्सीनेशन केंद्र हमने यहाँ स्थापित कर दिया तो कितने प्रतिशत लोग आपके गाँव के जो 45 वर्ष से अधिक है उनका वैक्सीनेशन हो गया हो जाए? कहने मतलब है कि जो पहले 50% ले चुके थे, अभी कुछ व्यक्ति बचे हुए हैं जो कुछ आए हुए हैं और कुछ बाकी हैं जो मार्केटिंग के कर रहे हैं, तो वैसे स्थिति में आएंगे तो उन लोग भी आगे आएंगे और वैक्सीन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि कुशवाहा जी से बात करके पता चला कि 50% लोगों ने तो पहले ही वैक्सीनेशन ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी केंद्र स्थापित किए गए हैं। मोबाइल वैक्सीनेशन का ये पहला केंद्र यहाँ पे स्थापित किया, जिसके बाद ऑलमोस्ट जो बचे हुए लोग थे वो भी आज केंद्र में आकर, जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है, उन्होंने भी आज वैक्सीनेशन ले लिया है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे लोग या तो गांव में है नहीं, बाजार गए हैं, मार्केट गए हैं, या उनकी मेडिकल स्थिति अच्छी नहीं है, जिसमें डॉक्टर खुद मना कर रहे हैं, जिनको मेडिकेशन चल रहा है तो वो लोग नहीं ले रहे हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि लादी गांव जो है वो झारखंड का पहला गांव ऐसा बन गया जिसने पूरी तरीके से अपने 45 वर्ष से उम्र के अधिक के लोगों का कंप्लीट वैक्सीनेशन करवा दिया है, और ये बहुत ही एक उपलब्धि है हमारे फुलेश्वर कुशवाहा जी के लिए, हमारे झारखंड के लिए, हमारे रामगढ़ जिला प्रशासन के लिए, कि उन्होंने लगातार प्रयास के बाद हम एक ऐसा गाँव जहाँ पे 100% वैक्सीनेशन को कम्प्लीट किया। थैंक यू।